हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्लियर बेसिक्स। अब होता क्या है कि जब भी हम एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें, स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस के बारे में, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि ये हर एक साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है, मतलब सिक्स मंथ का बेसिकली ड्यूरेशन होता है। तो उसमें काफी बड़ा सिलेबस होता है, और अगर आप चाहें कि केवल आप सिक्स मंथ में ही सारी प्रिपरेशन कर लें फ्रॉम बेसिक, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको करना क्या रहता है कि जब भी आप अगर CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले आप एटलीस्ट सिक्स मंथ जो है अपने बेसिक्स पे काम कर लीजिए, और जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब जाके आप इन डेप्थ पे जाइए। और अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो CSIR के साथ साथ और भी एग्जामिनेशन है, जैसे हम गेट की बात करें, ICMR की बात करें, DVT की बात करें, BARC की बात करें, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम है जिनको भी आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और यहाँ पर एक्सटेंड ऑफ कवरेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वहीं पर अगर CSIR की बात करें तो डेप्थ ऑफ कवरेज भी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली पार्ट सी। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से सारी स्ट्रेटेजी मेंशन कर दी थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको अपने बेसिक्स पे कैसे काम करना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जब भी हम बेसिक्स की बात करते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर CSIR के लिए अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप जाके 11th या 12th की कोई बुक पढ़िए, क्योंकि अगर आपको मास्टर लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको अपनी जो प्रिपरेशन है कुछ थोड़े बड़े तरीके से रखनी होगी, है ना। तो यहाँ पर जब भी आपको बेसिक्स क्लियर करनी है तो कोई एक अच्छी सी जो रेफरेंस बुक रहेगी, आपको लोकल बुक के थ्रू नहीं जाना है, कोई अच्छी जो रेफरेंस बुक है उस पर ही जाके आपको अपने बेसिक्स जो है वो क्लियर करने हैं। तो आपको शुरुआत कैसे करना है, जैसे आप टारगेट कर रहे हैं अब गेट के लिए, ICMR के लिए, DVT के लिए, CSIR के लिए, और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो सिंपली सबसे पहले आप सिलेबस निकालेंगे, एंड सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये यूनिट है, ये टारगेट है। तो जैसे अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो हमें बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, तो बायोकेमिस्ट्री में जब हम बेसिक्स की बात करें तो आप बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले पिकअप करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जिनमें आते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो अगर आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में बेसिक जानना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, कुछ करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि कोई भी ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज पे जाइए। देखिए, अब बेसिक्स आप दो तरीके से क्लियर कर सकते हैं, या तो आप खुद से कोई बुक पढ़ेंगे, या तो किसी वीडियो को देख लीजिए। आप किसी वीडियो को देख लेंगे तो होगा क्या ना कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर किसी कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे तो 2 से 3 घंटे में क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सिंपली आप उसको पढ़ ले, वीडियो देख लेंगे तो वही चीज आपकी 15 से 20 मिनट में क्लियर हो जाती है। तो वीडियो भी जब आप देखें, तो बेसिक्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप वीडियो देखें तो ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी भी ऑनलाइन सोर्सेज से वीडियो देख रहे हैं। आप कोशिश करिए कि जो ऑथेंटिक है, कुछ कुछ ऐसी वीडियोस वेबसाइट है, या कुछ ऐसी वेबसाइट है जैसे खान अकेडमी हो गई, आपकी कोर्सेला हो गई, EDX, ये तीनों की तीनों आपकी फॉरेन साइट है जहां पर आपको बेसिक से रिगार्डिंग जितने भी, आप अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से रिलेटेड सारी ही बेसिक्स वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, और ये बहुत अच्छे से चीजों को समझा देते हैं। इसके अलावा आप वेदमी पर भी आपको बहुत से सब्जेक्ट की बेसिक वीडियो जाएंगी, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करना है तो ये 3 वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करूंगी। यहां पर आपको वीडियो और प्लस में कंटेंट अवेलेबल है, तो आप इसके थ्रू पढ़ के अपना थोड़ा सा टाइम जो है उसको बचा सकते हैं। अब जैसे ही आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू अपने उन कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, तो सेकंड आप स्विच करिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे। अगेन, लोकल टेक्स्ट बुक पे नहीं जाना है। रीजन ये है कि अभी आप बेस बना रहे हैं, अगर अभी आपने कुछ ऐसा गड़बड़ पढ़ लिया या किसी चीज को प्रॉपर नहीं पढ़ा, तो वो लैकिंग आपकी हमेशा ही चलती रहेगी। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि जब आप किसी बिल्डिंग को बना रहे होते हैं, अगर उसका जो फाउंडेशन होता है अगर वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है, ऊपर नीचे है, तो आपकी पूरी बिल्डिंग वैसी ही रहेगी, उसमें कभी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप बेसिक्स पढ़ो, क्योंकि जब आप वीडियो पढ़ोगे तो आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू जाना है, और यहां पर आपको वो जो चीज आपने पढ़ी है उसी के ही जो टिपिकल आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिए। जैसे आपने अमाइनो एसिड्स पढ़े,
ठीक है आपको पता चल गया, उसके अलावा जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो में मिले। तो अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अब जाके आप इस बुक के थ्रू जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली बुक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें यह है कि टाइम बहुत जाएगा। तो पहले आप अपने सारे टॉपिक्स को जो है निकालिए और फिर ऑनलाइन पढ़िए, और उसके बाद आप किसी रेफरेंस बुक पे जा सकते हैं। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम करना है कि जो भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, कि जैसे आपने अमाइनो एसिड्स पढ़ लिए, उसका थोड़ा सा रेफरेंस बुक देखा, और बेसिक ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रेफरेंस बुक में भी जा रहे हैं तो काफी सारा डिटेल में पढ़ रहे, नहीं, केवल जितना उसमें बेसिक्स दिया है अमाइनो एसिड का वो पढ़ लिया। उसके बाद आप उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उनको जरूर सॉल्व करिए। तो उसके लिए सिंपली आप अगर नेट पे सर्च करेंगे एमसीक्यू रिगार्डिंग अमाइनो एसिड, तो आपके पास ढेर सारी ऐसी वेबसाइट आ जाएंगी जहां पर उनके एमसीक्यू होंगे। तो आप उनको सॉल्व करिए, तो आपको पता चलेगा कि हमें कितनी चीज समझ में आई है। तो ये तीनों चीजें आपको कर लेनी है। तो पहले पढ़ना है, फिर उसको स्टैंडर्ड बुक के थ्रू अगर आपको पढ़ना चाह रहे हैं, और फिर आप प्रैक्टिस कर लिए। जैसे ही आप ये तीन चीजों कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आपके बेसिक्स जो है उस टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वो जो कंसेप्ट है उसको कहीं ना कहीं जब भी आप बेसिक पढ़ रहे हो तो बेसिक्स के आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप आपने बस वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, दैट्स इट। आपने स्टैंडर्ड बुक लिया, पढ़ लिया, दैट्स इट। अगर आपकी खुद की स्टैंडर्ड बुक है भाई, आपके पास अवेलेबल है, कई बार हम लाइब्रेरी से लेते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है हार्ड कॉपी है तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, लेकिन जरूर आप उस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करिए। या तो फिर आप डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि डायग्रामेटिक चीजें जो है वो बेसिकली क्या होती है कि ज्यादा समय तक हमारे माइंड में रहती है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर होती है। क्योंकि जो दृश्य होते हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं कि हम काफी लंबे समय तक उनको याद कर सकते हैं। तो अगर आप 6 मंथ अपने बेसिक्स के लिए दे रहे हैं तो इस चीज को जरूर इंक्लूड करें अपने बेसिक्स के लिए। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब हम शुरू से मतलब हम जब जीरो से प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे माइंड में काफी सारे डाउट आते हैं, तो उन डाउट को आपको इमीडिएटली क्लियर करना है। आपको ऐसा नहीं है कि उस चीज को आप छोड़ दें, क्योंकि अगेन अगर आप उसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई और आपने छोड़ी, तो उसकी लैकिंग हमेशा ही रहेगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल उस टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं किसी ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू, या डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर के थ्रू। लेकिन अगर जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ी, आपने अमाइनो एसिड्स पढ़े, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है, किस वजह से है, ठीक है, हर एक के पीछे आपको लॉजिक पढ़ना है, तो आपको नहीं समझ में आया ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो है, बेसिक अमाइनो एसिड है, लेकिन किस वजह से, तो इमीडिएटली आपको देखना है या तो ऑनलाइन सोर्स देखिए इसे, क्योंकि जैसे ही आप उस चीज के पीछे की वजह जान जाएंगे तो आपकी सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाती हैं। एक चीज और, जब भी हम बेसिक प्रिपरेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब होता क्या है कि बेसिक्स एक ऐसी चीज होती है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, अगर स्टडी ग्रुप है, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप वेदमी पे आप लोग काफी सारी चैट कर सकते करते हैं, तो उसमें भी आप अपने जो ग्रुप है वो डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो ये चीज भी आप कर लें। इसके साथ साथ फिर जैसे ही आपने ऑनलाइन उस वीडियो को देखा, टेक्स्ट बुक के थ्रू उसको पढ़ा, फिर थर्ड आपकी चीज क्या हुई कि आपने एमसीक्यू रिजॉल्व कर लिया। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, अब आप क्वेश्चन पेपर क्या करिए, जैसे आप लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपने टारगेट करा, अच्छा मैं CSIR भी दूंगी, मैं DVT भी दूंगी, ICMR भी दूंगी, गेट भी दूंगी, तो इन सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको साइड में रखिए। अब जैसे ही आपने बेसिक MCQ ऑनलाइन सॉल्व कर लिए, उसके बाद एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा नहीं क्योंकि अभी हम प्रॉपर प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे, हम केवल बेसिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें बाकी में वो चीज समझ में आई या नहीं, वो जो सेल्फ असेसमेंट करना है वो बहुत जरूरी है। तो आप उन पर जरूर, जो पास्ट हमारे एग्जाम पेपर है, अगर अमाइनो एसिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए किसी पेपर में, तो आप उसको जरूर एक बार रिजोल्व करने की कोशिश करिए बेसिक क्वेश्चंस को। अब आपको क्या करना है, ये जो बेसिक स्टडी है, जैसे अगर अभी आप बिगनर कैंडिडेट हैं, आप अभी MSc में एनरोल्ड हुए हैं, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और आपको पता है कि मेरे बेसिक जो है मैंने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से नहीं करे हैं, तो आप सबसे पहले उन्हीं पे काम करिए और स्टार्ट कर दीजिए उनकी अर्ली प्रिपरेशन। आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है ठीक है मैं एग्जाम के दौरान मतलब प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि सिंपली आप उठाइए और अपनी प्रिपरेशन जो बेसिक की है वो शुरू कर दीजिए। आप जितनी जल्दी इसकी प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद ही आप इनडेप्थ नॉलेज तक जा पाएंगे।
फिर नेक्स्ट जो है, जब आप बेसिक पढ़ रहे हैं तब आपको एक चीज और इंक्लूड करनी है, आपकी मैथमेटिकल स्किल। अब मैं इसको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सीएसआईआर में, गेट में, डीबीटी, आईसीएमआर में सबसे आपके क्वांटिटेटिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ सॉल्व करने बैठ गए हैं, जो बेसिक चीज है, जो बेसिक मैथमेटिकल स्किल जो आपकी है, आप उसको डेवलप करिए, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक के दौरान आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, जिससे आपकी जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो। जैसा कि सेल्फ रेगुलेशन करना भी बहुत जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट करना भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्विज और जो आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं ऑनलाइन, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसमें किसी तरीके का कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होता, तो आप उनके थ्रू जाइए। फ्लैश कार्ड भी आपके बेसिक्स क्लियर करने में थोड़ी सी हेल्प करते हैं। कैसे कि जैसे फ्लैश कार्ड क्या होता है, बेसिकली एक कार्ड होता है, उसमें क्या होता है कि आप जैसे ऑनलाइन सर्च करेंगे तो जो भी आपको पढ़ना है, जैसे अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी में ही सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे पढ़ना चाहते हैं, तो एक जो कार्ड रहेगा उस पर प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम होगा और उसके साइड में जो जो उसके बेसिक कंसेप्ट होंगे वो सारे लिखे होंगे। तो ये एक तरीके का क्या है ना कि फन वे ऑफ लर्निंग। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप सीधा उनके थ्रू भी, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम होते हैं फ्लैश कार्ड पे, या आप जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी जनरेट करके जो आपके बेसिक्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ आप एक चीज ये कर सकते हैं, अगर आप स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में है, यूनिवर्सिटी में है स्पेशली, तो वहां पर काफी सारे प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, एमएससी लेवल पे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स को ना कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना कि कई बार प्रैक्टिकल्स की क्लासेस बंक करते हैं, जी नहीं, आप प्रॉपर प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रांग होता है ना, तो आप थ्योरेटिकली उसको कोरिलेट भी कर पाते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल हम उसी सब्जेक्ट का करते हैं जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। तो उसमें जरूर एंगेज रहिए। अगर आप हैंड टू हैंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इससे होगा क्या ना कि आपके जो बेसिक्स है, जो कुछ कुछ चीजें होती हैं कि यार हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारे आपके प्रैक्टिकल वर्क से क्लियर होते हैं। तो ये तब है अगर आप यूनिवर्सिटी में या कोई रेगुलर स्टूडेंट है तब जाके, अदरवाइज आपको बेसिक्स के लिए सिंपली ये चीज करनी है, सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लीजिए टॉपिक्स के कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ना है, और एक ही दिन में, बायो केमिस्ट्री में अमाइनो एसिड लिया, ऐसा नहीं उसको 10 दिन पढ़ रहे हैं, सिंपली एक दिन में जितनी वीडियोस, 3 से 4 वीडियो आपको अच्छी सी मिल गई उनको जाके देख लीजिए, वेबसाइट मैंने बता दी है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक खोलिए, रेफरेंस बुक खोलिए, थोड़ा सा उसमें पढ़िए, एमसीक्यू लास्ट में सॉल्व कर लीजिए शाम तक, और फिर दूसरे दिन आप अपने दूसरे टॉपिक पे लग जाइए। ऐसा नहीं कि आपको दिन 2-4 दिन उसी में पढ़ना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये रेफरेंस बुक है जो मैंने आपके लिए लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए लेलिंजर थी, बॉयट एंड बॉयट थी, फिर मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी के लिए आपकी लोडिश थी, टार्प भी है आपकी यूनिट 2 और 3, मतलब सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए, मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन है, जो आपकी प्रेस्कॉट है वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, इम्यूनोलॉजी क्यूबे, प्लांट फिजियोलॉजी तेज एंड जिगर, एनिमल फिजियोलॉजी के लिए टॉर्टोरा है, प्रिंसिपल ऑफ आई जेनेटिक्स अगर पढ़ना है तो गार्डनर है, एंड रोजेल भी है आई जेनेटिक्स की 13, एंड जो आपकी 12 यूनिट है अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, दैट इज उसके लिए है आपकी टी ए ब्राउन एंड विल्सन एंड बॉकर, इसके अलावा एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड कैम्बेल बायोलॉजी। तो आप इन बुक्स के थ्रू जा सकते हैं अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अदरवाइज बेसिक्स के लिए तो मैं सिंपली कहूंगी ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए, और जहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लीजिए, सबसे अच्छा अप्रोच है अपने बेसिक्स को क्लियर करना। और अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वेदमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर जो है हम आपको कंप्लीट जो कोर्स है 6 मंथ का वो कराएंगे, जहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा डेप्थ तक। जैसा कि आपको पता ही है कि सीएसआईआर में हम बेसिक्स भी क्लियर करते हैं, प्लस में डेप्थ में भी हमें जाके पढ़ना रहता है, तो वो दोनों ही चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन काफी कुछ मिलेगा। इसकी क्लासेस 8 जनवरी से शुरू हो जाएंगी, तो आप इसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कैंडिडेट का बहुत क्वेश्चन रहता है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको एक इफेक्टिव तरीका या मेथड बताऊंगी कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, जिससे आगे चल के जब आपकी रिविजन एंड रिकॉलिंग की बारी आए तो आपको उसमें थोड़ी सी मदद मिले। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।